श्रीमती मौर्य ने भी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है वो है एनालिटिक फंक्शन। आज की वीडियो में अपन एनालिटिक फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे कि एनालिटिक फंक्शन जो होता क्या है। ये अपने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का पार्ट है। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस जो अपना सेकंड पेपर है उसका एक पार्ट है जिसमें अपन को डिस्कस करना है कि एनालिटिक फंक्शन होता क्या है। सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है वो अपना एनालिटिक फंक्शन रहता है। उस पर बेस्ड अपने बहुत सारी थ्योरम, बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे जो अपने तरीके हैं जो अपने को यहाँ पे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के लिए देखने होते हैं। तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस को सबसे डीपली समझने से पहले अपने को एनालिटिक फंक्शन के बारे में सारा पता होना चाहिए कि एनालिटिक फंक्शन जो होता है वो किस तरह से डिफाइन होता है। तो देखिए, एनालिटिक फंक्शन की जो डेफिनेशन होती है वो अपने को बहुत सारी वेज में देखने को मिलती है। तो जो कुछ इंपॉर्टेंट तरीके हैं जिनमें अपने को जो अपने यूज आते हैं, ठीक है, उन सबको अपन यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं एनालिटिक फंक्शन। एनालिटिक फंक्शन होता क्या है, हिंदी में इसको बोलते हैं विश्लेषिक फलन। विश्लेषिक फलन, तो देखिए विश्लेषिक फलन की जो डेफिनेशन है वो अपने इस प्रकार से होती है कि अगर कोई अपना फलन, अपने को पता ही है जब अपन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर बात करते हैं तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर अपना जो फलन होता है वो कुछ इस तरह से डिफाइन होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो ये जो u और v दिख रहे हैं ये अपने किसके फंक्शन होते हैं, x और y के फंक्शन होते हैं। ये सभी अपन इन चीजों को अच्छे से जानते हैं, ठीक है। और एनालिटिक फंक्शन, एनालिटिक फंक्शन किसी भी फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में, डिफरेंशिएबिलिटी करेक्टर होता है। अगर मैं शॉर्ट में कहना चाहूँ तो ये क्या होता है, अपना एक डिफरेंशिएबिलिटी करेक्टर होता है, अवकलनीय जो करेक्टर है वो होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे कि अगर कोई फलन है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर अपने को क्या देखना है, उसका विश्लेषिक देखना है तो वो किस तरह से देखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे, माना कोई फलन f of z किसी बिंदु पर विश्लेषिक होगा, विश्लेषित होगा यदि उस बिंदु का जो नेबरहुड होगा, ठीक है, उस नेबरहुड के सभी बिंदुओं पर इसका ये क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। मतलब कम से कम एक ऐसा नेबरहुड इसका होना चाहिए जिस भी पर्टिकुलर पॉइंट पर अपन उसको जो विश्लेषित देख रहे हैं तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर एक ऐसा नेबरहुड उसके अंदर विद्यमान होना चाहिए जिसके अनंत बिंदुओं पर, यानी जिसके सभी बिंदुओं पर अपना फलन कैसा हो, अवकलनीय हो। तो अपन लिखेंगे, होगा यदि बिंदु के एक नेबरहुड कह दो, सामीप्य कह दो, एक नेबरहुड के सभी बिंदुओं पर फलन अवकलनीय हो। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो अपन कह सकते हैं कि अपना जो फलन है वो उस बिंदु पर क्या होगा, एनालिटिक होगा। एनालिटिक होने के लिए डिफरेंशिएबल होना जरूरी है। डिफरेंशिएबल भी कैसा, एक कोई पर्टिकुलर उसका नेबरहुड उठाना है जिसमें पॉइंट पर अपन चेक करें उसके एक नेबरहुड उठाना होता है और उस नेबरहुड के प्रत्येक बिंदु पर, हर एक बिंदु पर वो क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, तभी अपन कह सकेंगे कि वो क्या है, विश्लेषिक फलन है, ठीक है। उसके बाद अपन दूसरी डेफिनेशन यहाँ पर देख सकते हैं, वो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर नहीं देख के पर्टिकुलर डोमेन के लिए बात करेंगे। तो अगर किसी डोमेन की बात करें, किसी प्रांत की बात कर रहे हैं तो अपन एनालिटिसिटी कैसे देखते हैं, विश्लेषिकता कैसे देखते हैं, तो लिखेंगे यदि कोई फलन एफ ऑफ जेड किसी प्रांत पर विश्लेषिक होगा। अब प्रांत पर विश्लेषिक होने के लिए क्या कंडीशन है,
के सभी बिंदुओं पर अवकलनीय हो, मतलब प्रांत का, प्रांत के अंदर जितने भी पॉइंट वहां पर जो जो अस्तित्व में है, जो अवेलेबल है, जितने भी पॉइंट उसके अंदर कंटेन कर रहे हैं उस प्रांत में, उस डोमेन में, उन सभी पर वो क्या होना चाहिए, अपना डिफरेंशिएबल होना चाहिए। प्रांत के सभी बिंदुओं पर है अवकलनीय हो तो उस कंडीशन में अपना जो फलन है वो उस प्रांत पर क्या कहलाएगा, अवकलनीय, सॉरी विश्लेषित कहलाएगा। ठीक है, ये अपने बात हो गई यहाँ पर डोमेन की। ठीक है, डोमेन पर एनालिटिसिटी की बात यहाँ पर अपने हो गई। तो ये दो डेफिनेशन अपने यहाँ पर देख ली। अब अपन यहाँ पर एक और डेफिनेशन इसके लिए देखने वाले हैं, जो अपना जो इसका क्या है, मैथमेटिकल फॉर्म है, जिसके हेल्प से अपन कोई भी जो पर्टिकुलर पॉइंट होता है, डोमेन होता है, उस पर उसकी एनालिटिसिटी को चेक कर सकते हैं। ठीक है, जिसको अपन बहुत ही अपनी फेमस इक्वेशन है, सीआर इक्वेशन जिसको बोलते हैं। तो कोई भी फंक्शन जो है उसकी एनालिटिसिटी को अपन चेक करते हैं सीआर इक्वेशन से। अब ये सीआर इक्वेशन क्या आती है इनको भी अपन देख लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे, यदि किसी किसी ने कोई फलन f(z) किसी पर्टिकुलर पॉइंट की बात कर लो, चाहे या रीजन की बात कर लो, किसी प्रांत की बात कर लो, ठीक है, फलन विश्लेषी के कहलाता है यदि उनके आंशिक अवकलजों, आंशिक जो अवकलज होते हैं, क्योंकि अपने को पता होता है कि अपना जो फंक्शन है वो किस फॉर्म में होता है, u प्लस आइटा v के, और जो u और v होते हैं ये दोनों किसके फंक्शन होते हैं, x और y के फंक्शन होते हैं। तो यहाँ पर अपने को कंप्लीट डिफरेंशिएबल तो मिलने से नहीं, यहाँ पर अपने को क्या मिलेंगे, आंशिक अवकलज ही मिलेंगे, आंशिक डेरिवेटिव। तो या पार्शियल डेरिवेटिव जो आंशिक अवकलज उसके अपन फाइंड आउट करते हैं, उनके लिए अपने सीआर इक्वेशन जो है वो दी जाती है। आंशिक तो उनके आंशिक अवकलजों के लिए निम्न संबंध संतुष्ट हो, यानी वो सीआर इक्वेशन की जो कंडीशन है उनको क्या करते, सेटिस्फाई। अब सीआर इक्वेशन होती क्या है, वो जो रिलेशन है उसको अपन कैसे डालते हैं, तो डेल यू अपॉन है डेल एक्स इजिकल्स टू डेल वी अपॉन है डेल वाई, एक तो ये होता है, और एक होता है डेल यू अपॉन है डेल वाई इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। ये जो दोनों इक्वेशंस होती है इन दोनों को अपन किस नाम से जानते हैं, सी आर समीकरण कह दो या कोसी रीमान समीकरण अपन इसको बोलते हैं। ठीक है, ये जो दोनों आपको यहाँ पे जो दो दो रिलेशन दिख रहे हैं वो क्या कहलाते हैं अपने, कोसी रीमान समीकरण जो है यहाँ पे कहलाते हैं। और कोसी रीमान समीकरण से ही अपन कोई भी जो फंक्शन होता है गिवन अपना, उस फंक्शन की एनालिटिसिटी को क्या करते हैं, चेक करते हैं। क्लियर है जैसे? तो देखिए, आंशिक अवकलज विद्यमान होंगे तो उनके लिए अपन यहाँ पर आसानी से क्या कर सकेंगे, सीआर इक्वेशन को देखकर, सीआर इक्वेशन की हेल्प से अपन इनके अंदर जो रिलेशन, अगर ये सीआर इक्वेशन अपने सेटिस्फाई होते हैं तब तो अपन कह देंगे कि अपना जो फलन है वो कैसा होगा, विश्लेषिक होगा, और अगर नहीं सेटिस्फाई होता है तो वो विश्लेषिक नहीं होंगे। ठीक है, अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स अपन देख लेते हैं कि इनके जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो अपने यहाँ पर किस तरह से गिवन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे, देखिए अपने को यहाँ पे प्रूफ करके नहीं देखना है, सिर्फ सिंपली अपने को देखना है एग्जाम्पल। तो अगर मैं फलन ले हूं, जेड अपॉन है 1 माइनस z, तो ये जो फलन आपको दिख रहा है ये फलन है जेड इक्वल टू 1 के अलावा सभी जगह पर क्या होगा, विश्लेषिक होगा। जेड इक्वल टू 1 के अलावा सभी बिंदुओं पर
पर विश्लेषिक होगा। ठीक है, इसके अलावा अपन एक और एग्जांपल देख सकते हैं। मान लो फलन जो है वो अपना हो जेड स्क्वायर। ठीक है, ये जो फलन होता है ये सभी जगह क्या होता है, विश्लेषिक होता है। ठीक है, यह फलन चाहे आप कोई भी डोमेन उठा सकते हैं, कोई भी पॉइंट उठा सकते हैं, उन सभी पर ये क्या होगा, एनालिटिक होगा। फलन है सभी जगह एनालिटिक विश्लेषिक होगा। ठीक है, तो इस तरह से अपन इजीली जो है वो यहाँ पर इन सबको यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इनको चेक करने का मेथड मैंने आपको बताया इस यार इक्वेशन, पहले आप जो भी फंक्शन आपके पास गिवन है उनको एक्स और वाई की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं और फिर उनमें सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई करवाते हैं। ठीक है, तो ये था अपना आज का वीडियो एनालिटिक फंक्शन के बारे में। तो स्टूडेंट, एनालिटिक फंक्शन अगर अच्छे से क्लियर होगा तभी अपने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर अपन बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो एनालिटिक फंक्शन आप अच्छे से समझिएगा और इसमें कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।